आजकल लड़के और लड़कियों में एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है कि अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब वो अपनों से बड़े से लोगों को पूछते हैं ना, तो कोई कहता है कि अरेंज मैरिज कर लो, कोई कहता है लव मैरिज कर लो। इस चक्कर में आज के नौजवानों में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमारे लाइफ के लिए क्या बेहतर रहेगा, लव मैरिज बेहतर रहेगी या अरेंज मैरिज। उनको समझ में नहीं आता है, उनका दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है कि उनकी लाइफ के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो एक बात जीवन में याद रखना, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है, उसमें ये तीन बातें होनी जरूरी है। अगर ये तीन बातें उसमें होगी ना, तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, पति पत्नी दोनों का। नंबर वन, भरोसा। शादी कोई सी भी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पति पत्नी के बीच में भरोसा अटूट होना चाहिए। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो और उसमें भरोसा नहीं है ना एक दूसरे के प्रति, तो वो मैरिज कोई काम की नहीं है। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो और उसमें पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं है ना, तो वो मैरिज भी कुछ काम की नहीं। भरोसा चाहे पैसे का हो या किसी भी बात को लेकर हो, पति या पत्नी एक दूसरे के ऊपर अटूट भरोसा होना चाहिए। और भरोसा ऐसा होना चाहिए कि कोई हजार बातें भी पति के बारे में कह दे तो पत्नी विश्वास ना करे, और पत्नी के बारे में कोई हजार बातें भी कह दे ना तो पति विश्वास ना करे। यह होता है एक दूसरे के प्रति अटूट भरोसा। एक विश्वास की डोर दोनों के बीच में होनी चाहिए, तभी वह मैरिज आपकी लंबी चलेगी और खुशहाल चलेगी और सुंदर शादी होगी। सेकंड, प्यार। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पति पत्नी दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार, अटूट प्रेम और अटूट स्नेह होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में यह है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अरेंज मैरिज की है या लव मैरिज की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो डाउट। बहुत सी शादियां ऐसे भी देखी हैं, अरेंज मैरिज होती है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं होता है, फिर भी वो सामाजिक दबाव के कारण वो शादियां निभाते चलते रहते हैं, वो और पूरी जिंदगी भर वो शादी निभा देते हैं। क्यों निभाते हैं वो शादी एक दूसरे के प्रति? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सामाजिक दबाव होता है। पति पत्नी के बीच में भले प्यार ना हो, लेकिन फिर भी सामाजिक दबाव के कारण वो शादी निभाते हैं और वो जिंदगी भर चलती है। तो ऐसी शादी किस काम की? चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो शादी किस काम की? जिस शादी से आप खुश ना हो, जिस शादी में एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना ना हो, वो शादी किस काम की? भले आप अरेंज मैरिज कर रहे हो या लव मैरिज कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस शादी में आपको पति पत्नी के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह और समर्पण की भावना होनी जरूरी है, तभी वो आपकी शादी सफल शादी साबित होगी। वरना तो आप दोनों को जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, एक सामाजिक बंधनों में, सामाजिक दबाव से आपकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, परिस्थितियों के अनुसार समझौता करना। पति पत्नी को दोनों को ध्यान रखना होगा जीवन में कि कोई सी भी परिस्थिति आए, चाहे पत्नी की परिस्थिति आए या चाहे पति की परिस्थिति आए, दोनों को परिस्थितियों के अनुसार समझौता करना जरूरी है। अगर दोनों में से एक ने भी परिस्थिति के अनुसार समझौता न किया, तो वह शादी कामयाब नहीं होगी। मान लो आपकी पत्नी के परिवार में कोई समस्या हो गई और उस समस्या के कारण थोड़ा बहुत आपको परिस्थिति के अनुसार समझौता करना पड़ा, तो आपको करना पड़ेगा। यही तो एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना होती है, कि एक दूसरे की भावना समझे, एक दूसरे की परिस्थिति समझे। मान लो पति अच्छा कमाता हो, किसी में भी, बिजनेस में हो या जॉब में हो, उस वक्त लाइफ अच्छी चल रही हो, लग्जरी लाइफ चल रही हो, अच्छा मेंटेन कर रहे हो, अच्छा स्टेटस शो कर रहे हो। अगर मान लो किसी कारण से वो जॉब ना रही हो, मान लो किसी कारण से बिजनेस डाउन हो गया हो,
तो उस परिस्थिति में पत्नी को उस स्थिति में समझौता करना चाहिए। यह नहीं कि मैं तो वही लाइफ जीऊंगी, मैं वही स्टेटस शो करूंगी, ऐसा करना आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। परिस्थिति चाहे पत्नी के साथ बीते चाहे पति के साथ बीते कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परिस्थितियों के अनुसार समझौता दोनों को करना होगा। समय है, खराब समय है, गुजर जाएगा, परिस्थिति के अनुसार समझौता कर लो। इसीलिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार पति पत्नी ने समझौता नहीं किया तो वह शादीशुदा जिंदगी आपके लिए नरक बन जाएगी। वह शादी कभी आपके लिए सफल नहीं होगी। इसीलिए शादी दो जोड़ों का बंधन है और इन दो जोड़ों के बंधन को दोनों को जैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति से समझौता करना जरूरी है।